नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे 2020 में जो संस्कृत का पेपर हुआ था वो किस तरह से था। तो हमने आपको पहले वीडियो में बताया है कि आपको सबसे पहले अपने पेपर पे अपना अनुक्रमांक और अपना नाम जरूर लिखना है। अगर आप अपना अनुक्रमांक और अपना नाम नहीं लिखते हैं तो आपका जो पेपर है वो एक तरह से फर्जी माना जाएगा, जो कि मान्य नहीं होगा। तो ये तो वही पिछले वाले वीडियो की तरह ही है, नोट पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है, आप पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर एक हम देखते हैं कि निम्नलिखित संदर्भ में से किसी एक गद्यांश का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। अगर आपका संदर्भ सही है तो आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे, अगर आपका अनुवाद सही है तो 5 मार्क्स। तो इस पे आपको कुल 7 मार्क्स दिए जाएंगे। और या तो आप क लिखिए या फिर ख लिखिए, दोनों में से कोई एक आपको लिखना है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है कि निम्नलिखित पाठ में से किसी एक पाठ का सारांश हिंदी में लिखिए। तो आपको यहाँ पर 3 पाठ के नाम दिए गए हैं, तीनों में से आपको जो अच्छे तरह से याद हो उसे आप लिख सकते हैं। इसके लिए आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित श्लोक में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए। जिस तरह से हम लोगों ने अपने हिंदी में देखा था कि उस ठीक उसी प्रकार से है, तो यहाँ पे अगर आपको ये क आता है तो क कीजिए, अगर ख आता है तो ख कीजिए। संदर्भ पे आपको 2 मार्क्स और इसकी व्याख्या करने पे आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। तो कुल मिला के आपके पास 7 मार्क्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित सूक्ति में से किसी एक सूक्ति की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो ये आपको 3 दिया गया है, क ख और ग। अगर आपको क आता है तो आप क करिए, ख आता है तो ख, ग आता है तो ग। तो ये केवल इतना ही है, ये मत आप समझिए कि केवल इतने का है तो शरीर पंच भौतिकम, केवल इतने का ही आपको अर्थ लिखना है, नहीं। ये केवल आपको एक हिंट दिया है कि आपका ये मान लीजिए कि जैसे हमारा ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में अगर आपको ये इतना दे दे, वनम सर्वम सुपुत्रेण कुलम यथा, अगर आपको इतना दे दिया तो आपको इतना ऊपर वाला जो है ना वो अपने आप से बनाना होगा, किस तरह से आपको लिख सकते हो। तो आप अगर सूक्ति का संदर्भ सही लिखते हैं तो 1 मार्क्स और अगर उसका आप व्याख्या सही लिखते हैं तो 2 मार्क्स, कुल मिला के आपको 3 मार्क्स दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित श्लोक में से किसी एक श्लोक का अर्थ संस्कृत में लिखिए। अगर क लिखना है तो क लिखिए, ख लिखना है तो ख लिखिए, लेकिन इसका श्लोक क्या है संस्कृत में लिखना है। कृपया और आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि संस्कृत में दिया होता है लेकिन वो हिंदी में लिख के चले जाते हैं, तो ये आपका जो श्लोक का अर्थ होगा ना ये गलत काट दिया जाएगा। अगर आप संस्कृत में लिख पाते हैं अच्छे से तो आपको 5 मार्क्स दिया जाएगा। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण हिंदी में कीजिए। इसके लिए आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आपको क आता है तो क कीजिए, ख आता है तो ख कीजिए, ग आता है तो ग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में लिखिए। क ख ग। तो यहाँ पे आपको 3 प्रश्न दिए हैं जिसमें से आपको केवल 2 ही प्रश्न के उत्तर देने हैं। इसके लिए आपको 2.5 मार्क्स दिए जाएंगे, कुल मिला के आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे अगर आपका आंसर सही है तो। अब क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पे दिया है एक प्रत्याहार में वर्ण है, तो जो एक प्रत्याहार है इसमें आपको यहाँ पे दिया गया है 3 ऑप्शन, इसमें से 1 राइट होगा, इसके लिए आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। ख, आठवें का ख है, निम्नलिखित वर्णों में से किसी एक वर्ण का उच्चारण स्थान लिखिए। तो आपको यहाँ पे ई अ प ट, इनमें से किसी एक का आप क्या कर सकते हैं उच्चारण स्थान लिख सकते हैं कि आप उसको किस तरह से बोलते हैं, इसके लिए आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का क, निम्नलिखित में से किसी एक पद में संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखिए। तो आपको यहाँ पे रामम वंदे शांत हरिश्चलत शिवोचर्या, 3-4 दिए गए हैं, तो चारों में से आपको किसी एक का संधि विच्छेद करना है। अगर आपको संधि विच्छेद जो है अगर वो सही है तो 1 नंबर, अगर नाम सही है तो 1 नंबर, दोनों मिला के आपको संधि पर 2 नंबर दिए जाएंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 9 का ख, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। कबीर गच्छत में संधि है, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से 1 सही होगा, इसके लिए आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10,
निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का रूप लिखिए। तो यहाँ पे तीन दिया है, राजन का, नदी का और मधु का। तो यहाँ पे आपको दिया है तृतीय एकवचन, द्वितीय बहुवचन, चतुर्थी एकवचन। इसके लिए आपको एक मार्क्स दिया जाएगा अगर राइट हुआ तो। क्वेश्चन नंबर 10 का ख, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। धेनु में पद किस विभक्ति एवं किस वचन का रूप है? तो यहाँ पे आपको दिया है प्रथमा विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, द्वितीय और पंचमी। तो इन चारों में से एक राइट होगा, इसके लिए आपको एक मार्क्स दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसी एक धातु का रूप निर्देशानुसार लिखिए। वस धातु लट लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, भू धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, नी धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। अगर आपने इनको सही से लिखा तो आपको एक मार्क्स दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का ख, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। पाश्यामी रूप है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लिट लकार प्रथम पुरुष उत्तम पुरुष बहुवचन, लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। अगर ये आपका राइट हुआ तो आपको एक मार्क्स दिया जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि निम्नलिखित समस्त पदों में से किसी एक पद का समास विग्रह और समास का नाम लिखिए। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें से अगर आप जो भी आपको आता है आप उसको करो। अगर आपको समास विग्रह सही है तो आधा नंबर, और अगर समास का नाम भी सही है तो आधा नंबर, कुल मिला के आपको एक नंबर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का ख, सही विकल्प चुनकर लिखिए कि लंबोदरा में समास है, अव्यय भाव समास, बहुव्रीहि समास, क्रमधारय समास। इन तीनों में से केवल एक ही समास होगा, उसे आपको अच्छे से लिखना होगा, इसके लिए आपको एक मार्क्स दिया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किन्हीं दो पदों में निर्देशानुसार विभक्ति का नाम बताइए। तो यहाँ पे जो ये आपका अंडरलाइन किया गया है इसमें आपको विभक्ति बताना है। अगर आपको दो कहा है तो एक पे एक मार्क्स और दूसरे पे एक मार्क्स, तो दोनों मिला के आपको दो मार्क्स दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसी एक पद में प्रकृति प्रत्यय का निर्देश कीजिए। पठित्वा गतः धातु, तीनों में से एक आप लिख सकते हैं। इसके लिए आपको पहला तो आपको इसमें प्रत्यय कौन सा है वो पता करना है, और दूसरा ये प्रकृति प्रत्यय, ये किस प्रत्यय का प्रकार है उसे पता करना है, इसके लिए आपको दो मार्क्स दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसी एक का वाच्य परिवर्तन कीजिए। रामा हसत, मया गम्यते, लता पत्रम लिखति, तो आपको वाच्य परिवर्तन करना है। इन तीनों में से आपको जो भी आता है इसके लिए आपको दो मार्क्स दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित वाक्यों में से संस्कृत में अनुवाद कीजिए। हम सब जाते हैं, तुम सब सत्य बोलोगे, गुरु शिक्षा शिष्यों को शिक्षा देता है, साथ सत्य में से प्रमाद मत करो, हम 100 वर्षों तक जीवित रहे, ऋषि लोग आश्रम में रहते हैं। तो आपको यहाँ पे 6 वाक्य दिए हैं जिसका आपको संस्कृत में अनुवाद करने, इसके लिए आपको 6 मार्क्स दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संस्कृत में 8 वाक्य में निबंध लिखिए। परोपकार, विद्याहीन पशु और मातृभूमि, अनुशासन, पर्यावरण, उद्योग, इसके लिए आपको 8 मार्क्स दिया जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो यहाँ पे 6 ऑप्शन दिए हैं तो इनमें से कई बच्चे क्या करते हैं निबंध हिंदी में लिख के चले आते हैं, जिससे उनका क्या करता है होता है कि पूरा का पूरा गलत हो जाता है। तो आप ऐसा मत करो, आप अगर आपको एक और दो ही लाइन आ रहा है तो आप उसको लिख सकते हो, वो भी संस्कृत में। तो एग्जामिनर क्या करेगा, आपको अगर एक लाइन लिखा है तो एक मार्क्स देगा, दो लिखे हैं तो दो मार्क्स देगा, अगर राइट होगा तो 8, अगर आपका सही है तो 8 नंबर आपको दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, जो कि अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 4 का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यत्र वनेषु सर्वत्र बालका, यथा पातुम का आवाम, इसके लिए आपको 4 मार्क्स दिया जाएगा। हर एक वाक्य संस्कृत में वाक्य बनाने पर एक मार्क्स दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो संस्कृत का पेपर है ये इसी प्रकार से है, 18 क्वेश्चन इसमें थे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, तो आगे मैं आप जो भी वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।